बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। दिस कंपनी इज लेड बाय डॉक्टर शाजिया नईम एज अ सीईओ एंड डॉक्टर नईम खालिद एज अ चीफ एडिटर। आई एम वकास अहमद, एमफिल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कैम्ब्रिज असेसर फॉर ए लेवल फर्दर मैथमेटिक्स। आई एम सर्विंग कैंटर पब्लिशर एज राइटर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉर मैथमेटिक्स सिंस 2014। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रेड टू का फर्स्ट लेक्चर है। आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक टू, वर्कबुक टू, रिसोर्स पैक और समर पैक। हम लोग टेक्स्ट बुक टू और वर्कबुक टू यूज़ करेंगे। जो रिसोर्स पैक है वो टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है, इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना है। जो समर पैक है वो भी आप यूज़ करेंगे, इसमें आपने वो काम करना है जो आपके लेक्चर से रेलेवेंट हुआ होता है। चलें तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। हम लोग यूनिट वन नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 1.1 हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स। इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेशन में एक वीडियो कार्डिनल नंबर्स के बारे में इस टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं। 1.2 सेकेंड टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स अप टू 100। इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हमारे पास 1.3 टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर 2 या 3 वीडियोस हैं जिनको आप देखकर लर्न कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नंबर्स इन वर्ड्स। इसके जो SLOs है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, SLOs का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। राइट नंबर्स 1 to 100 इन वर्ड्स। ये जो बीच में 1 और 100 के दरमियान में एक डैश है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक जितने नंबर्स हैं हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उनको लिखना सीखेंगे कि वर्ड्स फॉर्म में किस तरह लिखे जाते हैं। हम लोग इससे पहले अपनी क्लास 1 में नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, किस तरह पढ़ते हैं। चले जरा बोर्ड की तरफ आएं पहले और थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने नंबर्स बनाना कैसे सीखे थे 1 से लेकर 100 तक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है नंबर्स के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हमने बेसिक प्राइमरी नंबर्स सीखे थे कि प्राइमरी नंबर्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं, बाकी जो इनको मिलाकर नंबर्स बनते हैं वो नंबर्स सेकेंडरी नंबर्स होते हैं। हम लोग 2 डिजिट फॉर्म करते हैं, 3 डिजिट फॉर्म करते हैं, जितने भी डिजिट्स नंबर फॉर्म करते हैं वो सेकेंडरी नंबर होता है। जो हमारे पास बेसिक नंबर्स होते हैं या प्राइमरी नंबर्स होते हैं वो 10 नंबर्स ही होते हैं, 0 to 9। अब देखते हैं कि हम लोग इन 2 डिजिट नंबर्स को 1 से लेकर 100 तक इनको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं और किस तरह इनको फिर इन वर्ड्स फॉर्म में इजीएस्ट वे से राइट करें। अब देखते हैं, सबसे पहले तो आपने ये कॉलम बना लेना है, वंस और टेंस वाला। आपने लास्ट जो सेशन हुए थे हमारे क्लास 1 के उसमें भी ये कॉलम्स बनाए थे। देखते हैं जरा वंस क्या होता है। ये वंस है और ये टेंस है। अब यहां पर हमने प्लेस वैल्यू भी पढ़ा था, हर नंबर की जो डिजिट्स की जो वैल्यू होती है किसी भी गिवन नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है, और यहां पर वंस और टेंस कॉलम जो है ये प्लेस वैल्यू ही बताते हैं। अब देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो था आपके पास फर्स्ट 2 डिजिट नंबर था, ये भी आपको पता है। इनके आप इस इनको वर्ड फॉर्म में भी राइट करना हमने सीखा था। 0 के लिए हम लोग वर्ड फॉर्म राइट करते थे, फिर 1, 2, 3 सबके लिए। देखे जरा, वर्ड फॉर्म 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन एंड देन टेन। एक चीज आपने नोट करनी है कि नंबर्स आपके बेसिक यही हैं, वन से लेकर नाइन तक ये नंबर्स हैं। जीरो हमने बाद में आइडेंटिफाई करना सीखा था कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो जीरो होता है। अब यहां पर देखें, अगर मैं ये जो हमारे बेसिक नंबर्स हैं इनके हर नंबर के साथ मैं राइट साइड पे जीरो लगा दूं, तो मैं वन को टेन पढ़ लूंगा, टू को ट्वेंटी, थ्री को थर्टी, फोर को फोर्टी, फाइव को फिफ्टी, सिक्स को सिक्सटी, सेवन को सेवेंटी। ये मैं टेंस वाली चीजों को पढ़ रहा हूं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो चीज नहीं बन रही है, स्किप काउंटिंग आपने सीखी थी टेंस के साथ। अगर मेरे पास यहां पर अब इसी में से मैं ये चीज उठाता हूं, वन के साथ मैं क्या लगाता हूं, जीरो, वन के साथ वन इधर राइट कर दिया, साथ मैंने जीरो लगा दिया। मैं अगर जीरो राइट करता हूं तो ये मेरे पास टेन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं टू राइट करता हूं, टू के साथ जीरो राइट करता हूं तो मेरे पास ट्वेंटी बन जाएगा, थ्री के साथ जीरो राइट करता हूं तो थर्टी बन जाएगा, इसी तरह फोर के साथ जीरो राइट करता हूं एंड सो ऑन। आपके पास यहां पर जीरो जीरो बनते जा रहे हैं। चेक करते हैं, थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी और फिर मैं 10 के साथ एक जीरो लगाऊं तो मुझे एक और कॉलम साथ ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो थ्री डिजिट के लिए 90 तक मैं लेके जाता हूं और फिर 10 के लिए हमें और चीज ऐड करना पड़ती है। देखिए जरा, टेन के लिए टेन राइट करूंगा, फिर ट्वेंटी, फिर थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी एंड देन जब मैं इस टेन के साथ मैं एक और जीरो यहां पर लगा दूं वंस वाली साइड पे, तो ये वंस जो है मेरे पास इस तरह बन जाएगा, थ्री डिजिट वन जीरो जीरो, तो ये हंड्रेड बन जाता है। सॉरी, जब मैं टेन के साथ एक जीरो और लगाता हूं इस टेन के साथ, तो आपके पास थ्री डिजिट बनता है हंड्रेड। अब देखिए जरा कि अगर मैं कोई सा भी यहां से फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी कोई सा भी नंबर चूज करता हूं, कोई सा भी, देखिए जरा, सपोज मैं फोर्टी लेता हूं, फोर्टी के साथ साथ मैंने टेंथ वाले कॉलम में इसको ऐसे ही राइट करते जाना है। यहां पर फोर एज इट इज रहेगा और इसके साथ यहां पर काउंटिंग राइट कर लूंगा, थ्री फोर फाइव, फोर एज इट इज रहने दो, ये इस तरह आपके पास नाइन तक चला जाता है, फोर्टी नाइन। अगेन अब आपके पास नेक्स्ट नंबर वन ऐड करेंगे तो वो फिफ्टी बन जाता है। अब इसको राइट करने के लिए आपने इन नंबर्स की वर्ड फॉर्म सीखी हुई है और उसके बाद इनका भी पता है आपको, ये टेन है, ये ट्वेंटी है, ये फिफ्टी है, थर्टी है, ये फोर्टी है, ये फिफ्टी है, सिक्सटी है, सेवेंटी है, एटी है और नाइन्टी है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये टेंस है और ये वंस है, टी फॉर टेंस, ओ फॉर वंस। अब यहां पर देखें, मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो इसको अगर लिखूंगा 40, अगर मैंने इसको पढ़ना है 40 प्लस 1 41, सिमिलरली 42, अगेन 43 44 45 46 47 एंड सो ऑन। अगर मैं यहां पर कोई और नंबर चूज कर लेता हूं 4 की बजाय 5 चूज करता हूं
तो 50 यहां पर ये अगर मैं चूज कर लेता हूं तो 50 के साथ 9 तक जाऊंगा तो मेरे पास 51, 52, 53, 54, 55 एंड सो ऑन। इसी तरह आप किसी भी ब्लॉक से नंबर्स चेक करें, उठाएं और उसके साथ 1, 2, 3 राइट कर दें इन नंबर्स फॉर्म, तो आपके पास इस तरह आपके न्यूमरल फॉर्म्स बन जाती हैं, जिस तरह यहां पर बनी है 41, 42, सिमिलरली 43, 44, ये इस तरह आप सारी की सारी फॉर्म राइट कर सकते हैं। अगर सपोज मैं यहां पर 45 की बजाय यहां पर 9 राइट कर दूं 10th की जगह पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 95। तो ये चीज आपने याद रखनी है। चलें अब बुक की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन करें और 7 पेज के ऊपर देखिए एक एग्जांपल नंबर 3 है, वो आपने कंप्लीट करनी है। आपने हर क्वेश्चन या एग्जांपल की जो स्टेटमेंट होती है उसको गौर से पढ़ा करें ताकि आप उसमें जो गिवन चीजें हैं और जो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है वो उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। सॉरी, पहले स्टेटमेंट को देखें। हेयर आर द शर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, राइट ईच शर्ट्स नंबर इन वर्ड्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। मैंने आपको बताया था कि वर्ड फॉर्म जब हम लोग बनाते हैं नंबर्स की वो किस तरह बनाते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे भी सीखा था। अब यहां पर देखें 10 है, ये 16 है, ये 19 है, फिर 26 है, 29 है, 38 है, इन सबको आपने वर्ड फॉर्म में राइट करना है। फिर 32 है, 37 है, 41 है, 52 है, 46 है एंड 50। चलिए अब पेज नंबर 8 की तरफ आए जरा। यहां पर कुछ नंबर्स मिसिंग है, 51 से स्टार्ट होता है, वो मिसिंग नंबर्स आपने कंप्लीट करने हैं। आपने इन नंबर्स को लाउडली रीड करना है और उनको जिस जिस तरह आप बोलते जाएंगे उसी तरह वर्ड फॉर्म में राइट करना है। जिस तरह 5 for 50, क्योंकि ये 10th प्लेस के ऊपर है, 1s के ऊपर 1 है, 51 हुआ। इसी तरह 5 10s के ऊपर है 50, फिर 2 52, फिर 53 54 55 56 57 एंड सो ऑन। ये आपने इस तरह आपने अभी कंप्लीट कर लेना है, पूरा पेज कंप्लीट करना है आपने 100 तक। अब थोड़ा सा होमवर्क कर ले, ये आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 10 है बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मिसिंग नंबर है इनमें सीक्वेंस में वो आपने कंप्लीट करने हैं। 48 है, 48 के बाद कौन सा नंबर आता है, 48 के बाद कौन सा नंबर आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, 51 के बाद कौन सा आता है, ये सारे नंबर्स आपने जो मिसिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है, वो आपने सीक्वेंस में राइट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने इनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। 9 को स्पेलिंग फॉर्म में राइट करें, 39 को राइट करें, 10, 48, 13, 54, 19, 63, 28 एंड सो ऑन। अब जरा नेक्स्ट पेज पे आए, वर्कबुक है इसका पेज नंबर 8 और 9, आप देखें जरा। यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर भी वर्ड्स फॉर्म राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 100, 99, 88, 74 एंड सो ऑन, ये आपने कंप्लीट करना है। ये वर्ड्स फॉर्म गिवन है, इनके न्यूमरल फॉर्म राइट करनी है। न्यूमरल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप बनाते हैं। सपोज आपके पास 76 है, 77 राइट कर देंगे, 6 वंस की जगह पे 6 राइट कर देंगे, तो आपके पास 76 बन जाता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करें, उसमें क्या करना है, राइट बैकवर्ड काउंटिंग इन वर्ड्स एंड इन न्यूमरल। बैकवर्ड और फॉरवर्ड आपने सीखा हुआ है बड़ी डिटेल से, हमने क्लास 1 में मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड क्या होता है और फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है। तो आपने 100 से स्टार्ट करके बैकवर्ड काउंट करना शुरू करना है, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 92, 91, ये 91 तक मूव करना है। इसी तरह आपने जो है 80 से स्टार्ट करना है बैकवर्ड काउंटिंग में, 80, 79, 70, 78,
77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, ये आपने इन वर्ड्स एंड न्यूमरल फॉर्म दोनों में राइट करना है। एट द एंड आपने अपनी जो वर्कबुक है उसके ऊपर अपने टीचर से सिग्नेचर करवा लेने हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपने ये काम प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया हुआ है। देखें आपने जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस का ही काम है एक्स्ट्रा, वो आपने कंप्लीट करना है। इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। हमने क्या पढ़ा आज, हमने नंबर सीखे राइट करने, 1 से लेकर 100 तक, उनको न्यूमरल फॉर्म में और इन वर्ड्स फॉर्म में किस तरह राइट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो आप हमें राइट करें, mathematics@kentupublisher.com।